हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज का है हमारा चैप्टर 14, नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज के कुछ टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं। ये वाला हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। रेन वाला भी पूरा कंप्लीट कर दिया है हम लोगों ने। एयर पोल्यूशन भी हो चुका है हमारा। वाटर पोल्यूशन भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसमें देखते हैं बायो जियो केमिकल साइकिल क्या होती है। अ कॉन्स्टेंट इंट्रैक्शन बिटवीन द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द बायोस्फीयर मैक्स इटीजर डायनेमिक बट स्टेबल सिस्टम। दिस इंट्रैक्शन कॉन्सिस्ट ऑफ अ ट्रांसफर फॉर मैटर एंड एनर्जी बिटवीन द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द बायोस्फीयर। लेट अस लुक एट सम प्रोसेस इन्वॉल्व इन द मेंटेनेंस ऑफ द अबव बैलेंस। क्या होता है कि जो हमारी बायोजियोकेमिकल साइकिल्स होती है, इसमें क्या होता है, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट में लगातार इंट्रैक्शन होता रहता है। जो बायोटिक का मीन्स क्या होता है, यहाँ पर क्या होती है, जान होती है, मतलब जीव जंतु जीवित होते हैं, उसको हम बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट। प्लांट, ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स आदि, ये सभी क्या होते हैं, जीवित होते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं हम बायोटिक में। और जो एबायोटिक कंपोनेंट्स होता है उसमें क्या होता है, ऐसे जीव जंतु जो जीवित नहीं होते हैं, जैसे सोइल है, एयर है, ये सब अजीवित है, तो इसको हम बोलते हैं कि एबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक एंड एबायोटिक जो कंपोनेंट्स होते हैं हमारे, ये क्या करते हैं, इनमें जब इंट्रैक्शन होता है तो ये बायोस्फीयर स्टेबल बना देते हैं। और ये क्या करते हैं, इंट्रैक्शन के कारण इनकी जो एनर्जी होती है वो भी बनी रहती है अलग अलग कंपोनेंट्स में। और एनर्जी का जो ट्रांसफ़र होता है बायोटिक कंपोनेंट्स में, एनर्जी का जो ट्रांसफ़र होता है उसी की वजह से अर्थ पर एनर्जी एग्जिस्ट करती है। मतलब जो हमारे बायोटिक और नॉन बायोटिक कंपोनेंट होते हैं इसमें एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, तो एनर्जी एग्जिस्ट करती रहती है। अब हम इसको आगे देखते हैं, वाटर साइकिल। वाटर साइकिल क्या होती है हमारी, यू हैव सीन हाउ द वाटर इवापोरेट्स फ्रॉम द वाटर बॉडीज एंड सब्सिक्यूटेंट कंडेंसेशन ऑफ देयर वाटर वेपर लीड्स टू रेन, but we don't see seas and oceans dripping. So how the water returning of these water bodies, the whole process in which evaporates and falls on the land as rain and water follows back into a sea rivers is known water cycle. क्या होता है water cycle में, जो water होता है वो हमारा evaporate होता है। यहाँ पर देखो diagram में इसको समझते हैं हम water cycle को। ये हमारी water cycle हो गई यहाँ पर। तो क्या होता है, जो हमारा वाटर्स होता है, ग्राउंड वाटर्स होता है, ये क्या करता है, इवापोरेट होता है। यहाँ पर देखो इवापोरेट हुआ, उसके बाद क्या किया इन्होंने, इवापोरेट होता है और यह वाटर भाप बनकर उड़ता रहता है। यहाँ पर इवापोरेशन के बाद क्या करता है, ये इधर से भाप बन के ऊपर उड़ता रहता है हमारे स्काई में। उसके बाद क्या होता है, कंडेंसेशन की वजह से, फिर इसमें कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन की वजह से ये ठंडा होता जाता है। ठंडा होने के बाद क्या करता है, ये कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन के बाद यह बिल्कुल ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाता है। और जो ये ड्रॉपलेट होती है बादल में जाती है, और बादल में जाने के बाद क्या करती है, ये ड्रॉपलेट भारी होती है, भारी होने के कारण क्या करती है, ये बादल से वापस रेन के फॉर्म में या वाटर के फॉर्म में वापस नीचे आती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेन। और इस प्रकार का जो साइकिल होता है उसको हम वाटर साइकिल बोलते हैं। यहाँ से ग्राउंड वाटर, अगर ये ग्राउंड वाटर है हमारा, ये इवापोरेशन की वजह से यहाँ पर स्काई में जाता है, तो यहाँ पर भाप की वजह से ये क्या करेगा, ठंडा होकर ड्रॉप्स बनाता है, बूंदे बनाता है, और ये बूंदे भारी होने की वजह से आकाश से वापस नीचे आ जाती है, तो और वापस ये रेन का फॉर्म कर लेती है। तो इस प्रकार के साइकिल को हम बोलते हैं वाटर साइकिल। आगे देखते हैं इसको, द नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल के बारे में देखते हैं। नाइट्रोजन गैस मैक्स टू 78% ऑफ आवर एटमोसफियर। क्या होता है, जो नाइट्रोजन होती है वो क्या करती है, एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। नाइट्रोजन इज आल्सो पार्ट ऑफ मेनी मॉलिक्यूल्स एसेंशियल लाइक प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए एंड सम विटामिन्स। नाइट्रोजन फाउंड अदर बायोलॉजिकल इंपोर्टेंट कंपाउंड सच एज एल्केलॉइड्स एंड यूरिया टू नाइट्रोजन इज थस एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर ऑल लाइफ फॉर्म्स एंड लाइफ वुड बी सिंपल। क्या होता है कि जो ये हमारी बॉडी में डीएनए तथा आरएनए, न्यूक्लियक एसिड, ये सभी नाइट्रोजन फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। और ये जो नाइट्रोजन होती है ये काफ़ी सारे बायोलॉजिकल्स कंपाउंड से बनता है, जैसे कि बायोलॉजिकल कंपाउंड्स क्या हो गए, यहाँ पर एल्केलॉइड्स और यूरिया, इसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल कंपाउंड्स। और ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन वेस्ट जो कि ह्यूमन बॉडी से निकलता है उसमें भी नाइट्रोजन प्रेजेंट रहती है। द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया
by the free living and associated with the some species dicot plants, most commonly the nitrogen fixing bacteria. क्या करते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या होते हैं? फ्री लिविंग होते हैं. और ये क्या करते हैं, पौधे या प्लांट्स में नाइट्रेट एंड नाइट्राइड्स के फॉर्म में होते हैं. और ये जो अमीनो एसिड में नाइट्रेट नाइट्राइड के फॉर्म में होते हैं, और ये क्या करते हैं, अमीनो एसिड के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं. और ये जो अमीनो एसिड होता है, यहाँ पर देखो, ये नाइट्रोजन वंस कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म ऑफ कैन यूज्ड टू नाइट्रोजन कंटेनिंग प्लांट्स. और जो ये अमीनो एसिड से होता है हमारा, ये प्रोटीन बनाते हैं. और ये बहुत आईएमपी टॉपिक्स होता है, इसके बारे में आप अच्छे से इसको देख लेना. जिनसे हम नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं, एक बैक्टीरिया होता है जो कि नाइट्रेट एंड नाइट्राइट को नॉर्मल एलिमेंट्स, जो कि जो नाइट्रेट होता है हमारा, नाइट्राइट होता है, इसको क्या करता है, एक नॉर्मल एलिमेंट्स नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है. इसकी साइकिल देखते हैं हम लोग. देखो ये यहाँ पर दे रखी है नाइट्रोजन की साइकिल. अब यहाँ पर देखते हैं हम एटमॉस्फेरिक एंड इंडस्ट्रियल फिक्सेशन. जब इसमें क्या होता है, नाइट्रिफिकेशन होता है. एटमॉस्फेरिक एंड इंडस्ट्रियल में क्या होता है, नाइट्रिफिकेशन होता है. तो क्या होगा, यहाँ पर ये नाइट्रोजन जो होती है वो एटमॉस्फेयर में चली जाती है. और देखो ये इधर की साइड से भी नाइट्रिफिकेशन अगर होता है, तो ये क्या करते हैं, नाइट्रेट्स फॉर्म करते हैं. और जो नाइट्रेट्स होते हैं वो डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस के द्वारा क्या करते हैं, वापस नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर में भेज देते हैं. और ये क्या करते हैं, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होती है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है. मतलब नाइट्रेट प्लस नाइट्राइड्स मिलकर नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है. और ये क्या करती है, फोटोप्लाज्म ग्रीन प्लांट्स बनाती है. और जो ये ग्रीन प्लांट होते हैं, ये क्या करते हैं, प्रोटोप्लाज्म एनिमल्स में. और एनिमल्स के द्वारा क्या करते हैं, ये अमोनिया फॉर्म करते हैं. अमोनिया की वजह से ये फिर से नाइट्रेट्स नाइट्राइड में कन्वर्ट हो जाती है. अब जो नाइट्रेट नाइट्राइड होते हैं वो डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस के वापस क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन फॉर्म करते हैं. इस प्रकार हम इसके साइकिल को समझ सकते हैं. इसके आगे का हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे.